क्योंकि आपने अपना वजूद खो दिया, आपने अपना ध्यान खो दिया, आपने अपना सुमरण खो दिया, आपने अपना जो संचित किया गया पुण्य था वो प्रताप खो दिया, आपके अंदर जो तेज है आप उसको भूल गए हैं, आपके अंदर जो परमात्मा है आप उसको भूल गए हैं, आपके अंदर जो चल रहा है, जो जी रहा है, जो शरीर को चला रहा है, जो इस लोक लोकांतर को चला रहा है, जो ब्रह्मांड को चला रहा है, वो सच्चे बादशाह को आप भूल गए हैं। अपनी ताकत को जो भूल जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। ये जीव अगर इस अपनी आत्मा को भूल जाए, अपने इष्ट को भूल जाए, अपने वजूद को भूल जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने इस धरा के ऊपर आया हूँ, कैसे कल्याण होगा, ये अगर भूल जाए, अपना लक्ष्य भूल जाए, क्योंकि जब गर्भ के अंदर जीव होता है तो ऊपर की तरफ पैर होते हैं, नीचे की तरफ सिर होता है। ये नहीं कि केवल कुछ लोगों के अंदर होते हैं, कुछ धर्मों के अंदर होते हैं, परमात्मा कहीं किसी के अंदर कोई भेद नहीं करता, उनके लिए सब बराबर होते हैं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। सब धर्मों के अंदर इसी प्रकार से जीव पैदा होते हैं, इसी प्रकार से जन्म लेते हैं, इसी प्रकार से गर्भधारण होता है, इसी प्रकार से बच्चा बढ़ता है और इसी प्रकार से संसार के अंदर आता है। जब इस प्रकार से होता है, अंदर जब बच्चा होता है, अब तो साइंस भी ये प्रूफ करने लगा है कि जब हंसते हैं तो भी बच्चे की एकदम से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और उसके चोट भी लग सकती है। साइंस कितना खोजबीन करने लगा है। आज जो पुराने ज़माने का नहीं पता होता था कि अंदर में जीव को कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, माँ अगर तेज खा ले, कुछ तीखा खा ले तो उसके अंदर बच्चे को जा करके परेशानी होती है, उसको इतना दर्द होता है नरकों की तरह से, उसकी सोई हुई बुद्धि प्रज्ञा जो होती है वो थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है जागने का। इसीलिए हमारे संतों ने ये कहा है कि वो प्रार्थना करने लगता है, मुझे गर्भ से बाहर निकालिए, मैं बाहर निकल करके आपको याद करूँगा और आप तक पहुँचने का प्रयास करूँगा, हे परमपिता परमेश्वर मुझे बाहर निकालिए इस संसार से, जो मैं फंसा हुआ हूँ, अगर संसार में आया तो आपको भूलूंगा नहीं, बार बार प्रयत्न करता है, लेकिन कर्मों के अनुसार खेल होता है। बहुत से बच्चे पैदा होने से पहले ही चले जाते हैं, बहुत से बच्चे पैदा होते ही चले जाते हैं, बहुत से थोड़े थोड़े समय के अनुसार जाते रहते हैं, क्योंकि कर्म का खेल होता है, कर्म की गति टारे नहीं टरे। क्योंकि संसार के अंदर जो आपने काम करने वाले लोग देखे होंगे, कष्ट दूर करने वाले लोग देखे होंगे, वो बोलते हैं कि ये अभी बाबा जी आएंगे और कष्ट काट देंगे। कष्ट बाबा जी से नहीं कटेगा, आप कितना भी जोर लगा ले, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, नहीं काट सकता। कारण क्या है, कभी आपने सोचा बैठ करके क्यों नहीं कट सकता, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, लेकिन कट कैसे सकता, रास्ता क्या है? कट इसलिए नहीं सकता क्योंकि सारा खेल कर्म बंधन का है, कर्म बंधन से ही सब कुछ चलता है, कर्म बंधन से ही जीवन चलता है। आपका जो ये शरीर प्राप्त हुआ, जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, जो परिवार प्राप्त हुआ, जो जगह घर प्राप्त हुआ, जो संसार में आप रह रहे हैं, जो आपके रिश्ते नातेदार हैं, वो सब के सब कर्म के अनुसार ही मिले हैं, संस्कारों के अनुसार ही मिले हैं। संस्कार के कारण ही ये जीव संसार के अंदर भटकता हुआ घूम रहा है और उस कर्म को इतना आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। देवी देवताओं की इतनी पहुंच नहीं है वो कर्म को तोड़ दे, चाहे जो भी देवी देवता हो। आप ये समझिए, जब श्री कृष्ण जी को, श्री राम को, हमारे संतों को, हमारे महात्माओं को, पीर पैगंबरों को कर्म से नहीं बच सके,
कर्म का भुगतान करना पड़ा, चाहे ज्यादा करना पड़ा हो चाहे कम करना पड़ा हो, तो आप कर्म की मार से कैसे बचेंगे, किस प्रकार से कर्म से भाग सकते हैं, किस प्रकार से कर्म से दूर जा सकते हैं, कैसे कर्म दूर हो सकता है, कैसे कर्म तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका भी एक मार्ग उस परम तत्व ने, उस परमात्मा ने संतों के माध्यम से दिखाया है। दूसरा कोई रास्ता नहीं कि और किसी माध्यम से, पैसे से तोड़ा जा सके, यज्ञ तप से तोड़ा जा सके, दान से तोड़ा जा सके, नहीं तोड़ा जा सकता। नए कर्म बन जाएंगे और ज़्यादा फंस जाओगे, परेशानी और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। उन्होंने, हमारे संतों ने कहा है, नाम की जो डोर होती है वो बार बार कर्म से टकराती रहती है, प्रज्ञा इतनी मजबूत हो जाती है कर्म को कमजोर कर देती है। जिस प्रकार रस्सी पत्थर के ऊपर रगड़े, लोहे के ऊपर भी कोमल रस्सी रगड़ेंगे तो वहाँ पर भी निशान बना देगी, उसी प्रकार से नाम की जो रस्सी है वो कर्म को तोड़ देती है, घिसा घिसा करके, रगड़ रगड़ के वो कर्म इतना कमजोर हो जाता है। संतों के सानिध्य, संतों का सत्संग इतना आपको मजबूत कर देता है कि उस कर्म को आप तोड़ सको और झेल सको, इतना सामर्थ्य वो परमात्मा आप लोगों को दे देता है। क्योंकि कर्म को अगर झेलने का सामर्थ्य वो परमात्मा दे दे, फिर कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता कब वो कर्म निकल गया शरीर के अंदर से, कब उस कर्म से पीछा छूट गया। क्योंकि कर्म का जो खेल होता है वो आप रहस्य देखिए, कर्म का किस प्रकार से कहां उठ करके आता है। भीष्म जो 100 जन्मों को देख सकते थे, बड़े ताकतवर और दृष्टि प्राप्त थी, स्वयं गंगा जी के पुत्र थे, स्वयं गंगा के पुत्र। आप सोचते हो गंगा में नहा करके हम तो धोवाए सारे पाप और पुण्य आत्मा हो गए, लेकिन वो जो स्वयं गंगा के जो पुत्र हैं वो भी कर्म से नहीं बच पाए, उन्होंने भी कर्म का संस्कार भोगना पड़ा। स्वयं सामने परमात्मा हथियार लिए खड़े हैं, वो खड़ा इंतजार कर रहा है कि एक शब्द सुनाई दे, कुछ ज्ञान का हमें प्रकाश दिखाई दे। और वो जानते थे कि ये स्पेशल में आई हुई आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इतना उन्होंने अपनी प्रज्ञा से जान लिया, अपने ध्यान से पहचान लिया कि विशेष कार्य के लिए आई हुई आत्मा है, अगर ये कल्याण कर दे तो कल्याण हो सकता है। सामने, बिल्कुल सामने कृष्ण जी खड़े हुए हैं, पास में कृष्ण जी खड़े हुए हैं, बात कृष्ण जी कर रहे हैं, घर उनके कृष्ण जी जा रहे हैं, रह रहे हैं, साथ में उनको खेलते हुए देखा, बचपन देखा, युद्ध विद्या देखी, हार जीत देखी, सब कुछ देखा, लेकिन क्या कर्म को तोड़ पाए? वो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि कर्म नाम के बिना कमजोर नहीं पड़ सकता। हम जा रहे थे, पिछले महीने की बात है, मैं देख रहा लोग भाग रहे, कावड़ वाले लोग थे, दौड़ रहे, मैं देख रहा मन को देख करके चलते चलते, किसी के मन के अंदर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है क्या? लेकिन वहाँ परमात्मा प्राप्ति की मैं हजारों लोग देखे, मैंने लाखों लोग देखे चलते हुए चलते चलते, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की इच्छा क्या, सोच भी और विचार भी नहीं, बस दौड़ रहे थे, भाग रहे थे अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं ये आगे ना निकल जाए। इसी दौड़ के अंदर वो लोग दौड़ रहे थे कि मुझे 8 घंटे में पहुंचना है, मुझे 7 घंटे में पहुंचना है, मैं तो 5 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा, पिछली बार 6 घंटे में गया था। इस प्रकार से दौड़ लगी हुई,
लेकिन ये दौड़ परमात्मा के लिए नहीं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपनी शारीरिक ताकत को दिखाने के लिए, अपनी बुद्धि को, अपने यश को संसार के अंदर फैलाने के लिए मात्र इतनी सी दौड़ थी। मैं सोचता बहुत बार कि वो मात्र इतना कुछ बूंद जल की कुछ लीटर 100, 200, 1000, 2000, 4000 ले करके वो शिव को ऊपर चढ़ा भी देंगे, क्या शिव संतुष्ट हो जाएंगे? क्योंकि शिव के जटाओं से जब गंगा बह रही है, कितना जल होगा जटाओं के अंदर, उनके अंदर कितनी ताकत होगी जो धारण कर लिया गंगा जी को और हर पल वहीं बहती है, पूरी की पूरी गंगा वहीं पर, वहीं से निकलती है, वहीं प्रकट होती है, उन्हीं के केशों को धोती रहती है। क्या वो कुछ बूंद जल से संतुष्ट हो पाएंगे? अगर आप उनको बोलो कि नाम रटो, नाम से शिव प्राप्त होंगे, तो वो ये बात हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम नहीं है, उन्हें सच्चाई मालूम नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति का, वो शिव प्राप्ति का, वो महादेव तक पहुंचने का, वो आदि पुरुष तक पहुंचने का, वो आदि गुरु तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और वो उस रास्ते के ऊपर चलना नहीं चाहते, क्योंकि रास्ता अलग होता है, मंजिल जहाँ पहुँचना है उसी के अनुसार हमें रास्ते का चुनाव करना होता है। अगर मंजिल के अनुसार रास्ते का चुनाव नहीं होगा, स्पीड नहीं होगी, हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रास्ता कुछ होगा, मंजिल कुछ होगी, पहुँचना कहीं होगा, दौड़ भाग किसी प्रकार की होगी, नहीं पहुंच पाएंगे। आप कितना भी प्रयास करो, कितने भी मेहनत करो, आपको ये लगेगा मैंने बहुत मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। लेकिन आप अगर उससे आधी मेहनत भी करोगे, चौथे हिस्से की भी मेहनत करोगे, तो भी आपका सफ़र और रास्ता कम होगा। जब सफ़र कम होगा तो मंजिल नज़दीक दिखाई देने पड़ेगी, लेकिन ये होगा कैसे, ये हमें पता चलेगा संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, जो हमारे पूर्वज पुराने संत महापुरुष हुए उनके माध्यम से हमें ये मालूम हो जाएगा कैसे क्या होता है, क्या रास्ता है। उस रास्ते से अगर आप प्रयास करोगे तो गंगा जी भी आएगी, शिव भी आएंगे, और भी देवी देवता आएंगे, आपके साथ आएंगे, आपके सहायक होंगे, आपको रास्ता दिखाने वाले होंगे, मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको शक्तियां और ताकत प्रदान करेंगे, हर जगह आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन वो होगा किस प्रकार से, वो रास्ते के द्वारा होगा, आपकी मेहनत के द्वारा होगा, आपकी लगन के द्वारा होगा, आपके प्रयास के द्वारा होगा, क्योंकि बिना प्रयास के, बिना लगन के उस परमात्मा तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं बड़ा आसानी से हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो समझो उन्होंने अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया, चट्टान खड़ी कर दी, और वो चट्टान टूटेगी नहीं। लेकिन जो लोग ये समझते हैं हमें किसी भी कीमत के ऊपर बस परमात्मा चाहिए, परमात्मा दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी कीमत हो बस हमें वही अमूल्य अनमोल जो कभी किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, जो हमारे संतों ने अपने नेत्रों के आंसुओं से जिनको सींचा है, अपने गर्दनों से जिनको सींचा है, क्योंकि गर्दन चढ़ाए बगैर परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि जब तक आपके